अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में क्या है, थंबनेल को देखने के बाद आप अंदाज़ा कर चुके होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके न्यू चूज़े निकलते हैं 10 से 15 दिन बाद मर जाते हैं, वो क्यों मर जाते हैं, उनको बचाने के लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट करना है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। सो आई गाइस, दिस इज वसीम एंड कैसर, सो लेट्स गो टू वसील नवा भी लेटेस्ट वीडियो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जो चूज़ों के पीछे बीट लग जाती है, ये बीट क्यों लगती है, क्या वजह है, क्या सोल्यूशन है जी? चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं, ये क्यों मरते हैं, क्या वजह है जी? हम सबसे पहले हमने क्या करना है जब कि ये चूज़ों के बीट क्यों लगती है, ये कमज़ोर क्यों होते हैं, 8-10 दिनों के बाद ये क्यों मरना शुरू हो जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने जब जोड़ा मिलाएं ना, मुर्गा मुर्गी मिलाएं, जोड़ा मिलाएं, तो मुर्गा और मुर्गी आपके सेहतमंद होने चाहिए और उनके विटामिन कैल्शियम मुकम्मल होना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त खुराक होनी चाहिए। जब उनकी खुराक ज़बरदस्त होगी, अच्छी होगी, वो सेहतमंद होंगे, तब ये बच्चे सेहतमंद होंगे। सेहतमंद होंगे तो ये मरेंगे नहीं, ये बीमार नहीं होंगे, इनके पीछे बीट नहीं लगेगी। जिन जौन से बच्चों के पीछे बीट लगना शुरू हो जाती है, तो उनके फिर चांस बहुत कम हो जाते हैं कि ये बच्चे पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, बहुत बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो लिहाजा हमने करना क्या है, सबसे पहले जोड़ा अच्छा, जोड़े के बाद खुराक अच्छी, खुराक के बाद उनके अच्छे भले से यानी कि खिदमत खातर दरवाज़ा करनी है, फिर अच्छे बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद करना क्या है, आपने जब बच्चा निकल आता है अंडे से बाहर, सबसे पहले मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि बच्चा जब निकले तकरीबन कम से कम सूखने तक तो मुर्गी के नीचे रहना चाहिए, जब तक अच्छे से सूख नहीं जाता। उसके बाद फिर क्या करना है, सारे बच्चे मुकम्मल हो गए, मुकम्मल होने के बाद हमने क्या करना है जी, हमने पानी में गुड़ हल करना है थोड़ा सा, यानी कि मीठा थोड़ा सा ज़्यादा हो, जैसे हम घरों में बच्चे को गुड़ती देते हैं, वैसे ही एक चूँच या दो चूँच पिला दें बच्चे को, पिलाने के बाद बच्चा छोड़ दें इंशाल्लाह। उनके पोटे में या मैदे में, पेट में कुछ ऐसे कैल्शियम होते हैं या ऐसे ज़र्रात होते हैं, जब तक वो अच्छे से निकले नहीं ना, तो वो इन बीठों की सूरत में बाहर आना शुरू होते हैं। जब वो निकल जाते हैं फिर ये मसला नहीं पेश आता, और जब वो नहीं निकलते तब ये बीठे निकलती हैं तो पीछे चिपकना शुरू हो जाती हैं, आसा आसा बिल्कुल पीछे से ना चूज़ा बंद हो जाता है। जब वो बंद होता है, ज़ोर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लिहाजा वो बीट नहीं कर पाता, तो अंदर से जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ होता है वैसे ही हर चीज़ वो चल रही होती है, लेकिन वो मुआद बाहर नहीं निकलता। जब वो बाहर नहीं निकलता फिर जानवर की या चूज़े की बच्चे की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब वो ख़राब होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो बच्चा मर जाता है। लिहाजा बच्चे निकलने के बाद सबसे पहले आप एक बार वो मीठा पानी गुड़ वाला ज़रूर करके पिलाएं, जब तक वो नहीं पिलाएंगे तो ऐसे मसले दरपेश आते रहेंगे और हाजमा बेहतर नहीं होगा। जब तक हाजमा बेहतर नहीं होगा ये निज़ाम नहीं चलेगा। लिहाजा आपने ये जो बातें हमने बताई हैं इन पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा। अस्सलामुअलैकुम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है आपके चूज़े मरने से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लाजमी करेंगे, और इंशाल्लाह आपके बर्ड्स नेक्स्ट टाइम नहीं मरेंगे इस प्रॉब्लम की वजह से। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।